नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में खुद को बीमार देखने का क्या मतलब होता है। यह दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां समय से आपको मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बीमार होने का दृश्य सपने में देखना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। यह सपना हमें सूचना देता है कि आने वाले दिनों में आपकी सेहत खराब हो सकती है, आप किसी बीमारी के चंगुल में फंस सकते हैं। ऐसे में आपको खुद की देखभाल ध्यान से करनी चाहिए। अगली जो बात है वह है सपने में बीमारी से मुक्ति प्राप्त करना। यदि आपको सपने में बीमारी से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आप परेशान मुक्त होने वाले हैं, आपको सारी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होने वाला है, इसलिए आपको इस बात से खुश हो जाना चाहिए। अगला जो सपना है वह है सपने में अचानक बीमार पड़ना। अचानक बीमार पड़ने का दृश्य अपने सपने में देखना अशुभ माना जाता है। आने वाले दिनों में आपको अनचाही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको निडर होकर मुसीबतों का सामना डट कर करना चाहिए और उस पर विजय हासिल होने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सपने में अस्पताल में भर्ती देखता है, तो यह सपना भी एक बेहद ही अशुभ स्वप्न माना जाता है। आने वाले दिनों में आपको पैसों का भारी नुकसान होने का संकेत देता है ये सपना। बड़े राशि में आपको पैसे कहीं अटक सकते हैं, आपकी पैसों की रोलिंग टूट सकती है और पैसों का नुकसान होने का यह सपना संकेत देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।